डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए शिमला, कुल्लू और नूरपुर में कमांडो यूनिट गठित करने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिमला की बजाय धर्मशाला में डीआईजी इंटेलिजेंस बिठाने का मामला भी सरकार के समक्ष रखा गया है, जिससे पठानकोट और पंजाब के साथ लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया गतिविधियों को और पुख्ता किया जा सके। साइबर अपराध पर नजर रखने व इसे रोकने के मकसद से शिमला के बाद मंडी और धर्मशाला में साइबर थाने खोलने को लेकर भी सरकार को प्रस्ताव दिया गया है। डीजीपी बनने के बाद पहली बार धर्मशाला दौरे पर आए संजय कुंडू ने ये बात पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला की सीमा के साथ लगते पठानकोट क्षेत्र में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर हिमाचल पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। डीजीपी कुंडू ने हिमाचल के दो जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ लगती चीन की 240 किलोमीटर लंबी सीमावर्ती इलाकों में घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि घटती जनसंख्या सीमावर्ती इलाकों में बदलते घटनाक्रम एक और मुश्किल पैदा कर रही है। सीमावर्ती इलाकों में आम ग्रामीणों की मदद से सीमाओं का निरीक्षण तथा किसी भी तरह के बदलाव पर बारीक जानकारी रखी जा सकती है, लेकिन रोजगार के अभाव में पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण शहरों और माइग्रेट कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने हिमाचल सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से न सिर्फ वहां के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीणों की मदद से सीमावर्ती इलाकों में पुलिस तथा सैनिकों द्वारा रखना सीमा की निगरानी भी आसान हो जाएगी। पंद्रह जून को लेह की गलवान घाटी की घटना को लेकर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल पुलिस द्वारा 240 किलोमीटर की सीमावर्ती इलाकों का 5 नौजवान आईपीएस अफसरों द्वारा इलाकों का निरीक्षण करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने राज्यपाल, राज्य सरकार सहित रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को भेजी गई है। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से काफी प्रोत्साहन भी मिला है। संजय कुंडू ने कहा कि इस रिपोर्ट में मुख्यतः दो बातों को रखा गया है, पहला प्लान को रोकना तथा दूसरा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना प्राथमिकता रहेगी। कुंडू ने बताया कि सितंबर में मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसकी महत्व भौगोलिक रूप से काफी ज्यादा है, जिसका कारण लेह मनाली कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए नार्कोटिक्स क्राइम यूनिट बनाने और इसे मजबूत करने के लिए सरकार के समक्ष सुझाव रखे हैं। छब्बीस जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये दिन समर्पित है उन्हें, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध, जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्पित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। पूरे दो महीने से ज्यादा चले इस युद्ध ने भारतीय थल सेना व वायु सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है, जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। भारतीय वायु सेना भी इस युद्ध में जोहर दिखाने में पीछे नहीं रही। टोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते समय वायुसेना ने कई बहादुर अधिकारी व अन्य रैंक भी इस लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सबसे पहले
कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक थे जिन्होंने एक के बाद एक सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी। यहां तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया और उन्हें शेर शाह के नाम से भी नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में महाभारती का लाटला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह ही शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।